हेलो 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 केम छो भाई, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड चिल्ड्रन एंड इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। सो आई विश कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा अपना तबीयत का और अपने पढ़ाई का दोनों का ध्यान रख रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सो चिल्ड्रन, क्वालिटी लेवल एजुकेशन हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कोटा से, एंड वी मेक यू प्रिपेयर फॉर 6th to 10th स्कूल लेवल एग्जामिनेशन एंड 6th to 8th ओलंपियड एग्जामिनेशन एंड अदर देन दैट NTSC, NSC, JSP, RMO इन सब की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ से आप लोगों को करवाते हैं चिल्ड्रन। एंड आपको यही करना है कि एक तो पढ़ाई करनी है हमारे साथ साथ, पूरा लेक्चर अटेंड करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रिविजन करना है। इस सब के अलावा यू हैव टू शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, बिकॉज जो हमारा ये एम है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड का, एंड वी बिलीव इन दिस की लाइक इट इज़ बेसिक राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट टू हैव क्वालिटी एजुकेशन। दिस कैन नॉट लाइक ऑब्वियसली हम लोग सब तो मेहनत कर ही रहे हैं, बट आप लोगों की हेल्प से ये ज़्यादा जल्दी अचीव हो पाएगा। राइट चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे। सो टुडेज़ लेक्चर इज फॉर क्लास 8th फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट इज़ ऑन डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। राइट, इससे पहले का चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके, उसके ओलंपियड लेवल के क्वेश्चन वगैरह सब हमने ट्राई कर लिए थे। राइट, सो आज का जो लेक्चर है वो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है, एंड उसके अंदर हम लोग वील बी स्टडिंग अबाउट वॉट डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इज एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, और इसी से रिलेटेड हम लोग आज थोड़ा पढ़ाई करेंगे, है ना। ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में वील डू मोर एंड मोर क्वेश्चन अबाउट इट, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन और करेंगे, बट आज के लेक्चर में थोड़ा बेसिक हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। राइट, सो दिस पिक्चर इज लाइक ऑब्वियसली जेट प्लेन्स है, जो इससे कैसे रिलेवेंट है वो मैं आपको समझाती हूँ चिल्ड्रन। देखो, वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब इस पिक्चर को देख करके हमें क्या समझ आ रहा है। पहली चीज तो ये है कि दिस इज अ जेट प्लेन फ्लाइंग, राइट। एंड सेकेंड चीज मुझे क्या दिख रही है, क्या समझ आ रही है कि ऑब्वियसली ये जो प्लेन है, ये वाला जो फर्स्ट प्लेन है, ये पास में है, राइट। जो भी फोटोग्राफ ले रहा है उस पर्सन के पास में ये प्लेन है, और ये वाला मतलब लेट्स से दिस इज अ बिट फार, देन उससे फार्दर ये है, और सबसे फार्देस्ट ये है, है ना। ये मुझे दिख रहा है कि भाई डिस्टेंस कम है, तो इमेज जो फोटोग्राफ है या जो भी ये जेट प्लेन है उसका इमेज बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो इमेज छोटी हो रही है, ठीक है। ये हम थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, बट देन अदर देन दैट इतना हमें समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस अगर पास है, मान लो मैं अगर आपके बहुत पास आकर के यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, तो मेरा जो इमेज है वो आपको बढ़ा दिख रहा है, और इफ़ आई गो बैक तो मैं छोटी दिख रही हूँ, राइट। सो डिस्टेंस से वेरिएशन है, मतलब डिस्टेंस अगर कम ज़्यादा हो रहा है, डिस्टेंस अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो इमेज का जो साइज है वो भी कम और ज़्यादा हो रहा है, समझ पा रहे हो। डिस्टेंस अगर पास है इमेज का साइज बड़ा, अगर डिस्टेंस डिस्टेंस अगर कम है तो इमेज बड़ी है, और डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इमेज छोटी है, है ना। ये हम समझ पा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इन दिस। ये कैसे रिलेटेड है डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन से, वो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दिया मैंने कि इसी से रिलेटेड हम लोग फिर आगे आज पढ़ेंगे। बिफोर दैट, दिस इज आर अमेजिंग टीम जिसके बारे में मैं हमेशा बताती रहती हूँ। दिस इज मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6th to 8th मैथमेटिक्स, जिसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन गो थ्रू इट। दिस इज आर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन, एंड डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट चैनल्स हैं, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, बिकॉज वी विल बी अपडेटिंग ऑल द लिंक्स ओवर देयर, सो यू नीड नॉट हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा लेक्चर कब क्या, बस उसको म्यूट मत करके रखना, कीप इट अनम्यूट, सो दैट वेन एवर द नोटिफिकेशन आर कमिंग यू आर लाइक आपको पता लग जाए उसके बारे में, राइट। यू विल गेट टू नो अबाउट इट एंड देन यू कैन जस्ट डायरेक्टली टैप टू द लिंक एंड गो टू द वीडियो, it'll be directed towards the video and you can watch it and learn it and make notes and do questions, right, and learn with us. So this is our website talkingtextbooks.in, jahan pe aapko jo packages hain wo dikh jayenge. 6th to 8th mein same pricing hai children, course to alag alag hai obviously, pricing same hai. After applying my code AVLIVE you get 30% off discount, and the complete package which is for otherwise 9000 you'll be getting it for 6300
in which you will get the study material and the test series and other things are mentioned here. And the second package is the test series. If you do not require the study material, then you can opt for this. And this will contain obviously the part test and cumulative test, whose syllabus is predefined and will be told to you prior to the test, of course. And children, other than that, jo video lectures hain wo, because we believe in giving education to many, many more students. That is why the video lectures are free and the bi-weekly quizzes are free, which are Olympiad level questions. And where can you find them? On our website, talkingtextbooks.in. So go there and dekho, search karo, questions karo. Kuch bhi problem aati hai, toh is number pe pooch sakte ho, 9549041111. Call on this number and if you have to give any feedback, be it positive or negative, or if you have any doubts or anything that you want to know, any information that you want regarding the video lectures, regarding the material, regarding talking textbooks, you can always call on this number. Yeah, children, so let's start with our lecture for today. After this, alrighty. So prerequisite आज के लेक्चर का जो है वो ये है children, कि आपको रेशियो प्रपोर्शन जो हमने पढ़ा था, यूनिट्री मेथड, ये सब अच्छे से आना चाहिए. इसका prerequisite यही है, because that will be used anyways in this. And obviously after this lecture you will be able to understand what is direct variation, what is indirect variation or inverse variation. And how can we use them? How can we use the concept in doing many questions, different kind of questions? Clear, children? So let's start. So in the previous classes, we have learnt about ratio and proportion. Ratio is a concept of comparison. Ratio kya hota hai, children? We all very well know ki ratio hum log kab use karte hai? Jabhi basically we are comparing things, right? कंपेयर कर रहे होते हैं हम जब किसी भी दूसरी चीज़ से, मतलब सेम चीज़ होनी चाहिए वो, बट इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स देन वी यूज रेशियो इन दैट बाय डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इन टू इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन दे आर इन प्रोपोर्शन, राइट? तो वो क्या कहलाता है? अगर दो रेशियोज इक्वल हैं तो दे आर नोन एज प्रोपोर्शन. ये भी हम लोग जानते हैं, ये भी हमने जनरल पढ़ रखा है. Now, in this chapter, we will study about variation. Variations के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अब variation जो है वो दो type से होते हैं. That is direct variation and indirect variation. ठीक है, या inverse variation जिसे हम बोलते हैं. So, let's talk about it, children. What is direct variation? Direct variation का मतलब ये होता है कि जब आप एक quantity को बढ़ा रहे हो तो दूसरी उससे उस पर dependent, मतलब obviously the two quantities have to be dependent on each other, है ना? तो अगर आप एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हो या एक कोई भी चीज़ को बढ़ा रहे हो तो उस पर डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है. एक क्वांटिटी को अगर कम कर रहे हो, उस पर डिपेंडेंट जो दूसरी क्वांटिटी है, दूसरी यूनिट है, वो भी डिक्रीज हो रही है. इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो रहे, डिक्रीज के साथ दूसरी जो उस पर डिपेंडेंट है वो भी. यहाँ पे हम डिपेंडेंट वैल्यूज के, डिपेंडेंट जो क्वांटिटीज है उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ऐसा इंडिपेंडेंट के बारे में नहीं बात करेंगे, है ना? सो टू क्वांटिटीज आर सेट टू वेरी डायरेक्टली इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी. कैसे? देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन. ओके, इफ देर आर मोर पेन, ठीक है, पेन्स कर देते हैं, कॉस्ट वुड बी मोर, कॉस्ट इज मोर, ठीक है. कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ वन पेन, cost of one pen is rupees 5.
ठीक है, एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स ऑब्वियसली बढ़ जाएगी राइट. एक पेन आप खरीदने जा रहे हो और 10 पेन्स आप खरीदने जा रहे हो, प्राइस बढ़ेगी नहीं क्या? कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स विल बी रुपीज 50. भाई एक पेन लिया आपने उसका जो प्राइस था, 10 पेन लिया आपने उसका जो प्राइस था, प्राइस बढ़ा ही सही है ना. अगर मेरे नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हुए तो मेरी नंबर ऑफ कॉस्ट जो थी, मतलब नॉट नंबर ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट थी वो भी इंक्रीज हो गई पेन के साथ. तो दोनों क्या हुए? सी, दिस इज पेन, दिस इज कॉस्ट. सो अगर पेन था मेरा 1 तो कॉस्ट थी मेरी 5, पेन थे मेरे 10 तो कॉस्ट हो गई मेरी 50, राइट. पेन इंक्रीज हुआ, कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन हुआ ये, डायरेक्टली वेरिएट हुआ ये. ठीक, अब मान लो जैसे मोर क्लासेस आते हैं, मोर टीचर्स वुड बी रिक्वायर्ड. ठीक है, मोर टीचर्स वुड बी रिक्वायर्ड. और इस तरह के और बहुत सारे वो ले सकते हैं अपन चिल्ड्रन, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम टेकन इज लेस टाइम टेकन, ऐसे लिख दो इसको, लेस टाइम टेकन, लेस टाइम टेकन, है ना. भाई आप 5 किलोमीटर गए मान लो से 1 आवर में, है ना, 5 किलोमीटर्स आपने ट्रैवल किया 1 आवर में. अब अगर आप 2 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हो तो ऑब्वियसली 1 आवर थोड़ा लगेगा, उससे कम टाइम में करोगे, राइट. विद द फैक्ट कि स्पीड आपकी सेम है, स्पीड शुड बी कॉन्स्टेंट, स्पीड सेम होनी चाहिए, है ना. तो अगर आपने यहाँ तक, मान लो यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है और कुछ लेट अस से एक्स टाइम में करना है, ठीक है, और अब आप यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो आपका टाइम कम हो गया ना चिल्ड्रन, टाइम कम हो गया, सिंपल सी बात है. तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली डायरेक्ट वेरिएशन, डिस्टेंस कम हुआ तो टाइम भी कम हो गया. आ रहे बात समझ में, कैसे डायरेक्टली वेरिएट हो रहे हैं, राइट. एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बुक्स लेस नंबर ऑफ बुक्स लेस नंबर ऑफ बुक्स वेट ऑफ बैग विल बी लेस, राइट. मंडे के दिन आपके 7 पीरियड्स हैं जो लग रहे हैं, SSTB और EVS, मतलब EVS और SST एक हो गया, मॉल साइंस भी लग रहा है, GK भी है, और हिंदी इंग्लिश मैथ सारे लग रहे हैं, राइट. वो सारे पीरियड, फॉर एग्जांपल 7 पीरियड्स, 8 में से 7 पीरियड्स आपके सारे, कोई गेम्स पीरियड कोई फ्री पीरियड नहीं है, 8 में से आपके 7 पीरियड्स आपके लग रहे हैं और सबकी बुक्स लेकर के आपको टेक्स्ट बुक्स लेकर के जानी है स्कूल में, ठीक. वेट हो गया मान लो 15 kgs, ठीक. अब मंडे के दिन ये आपका टाइम टेबल है, ट्यूसडे के दिन 8 out of 8 आपके सिर्फ 2 पीरियड्स ऐसे हैं जो लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का लग रहा है, बाकी सारे 6 पीरियड्स आपके फ्री हैं, बी एट म्यूजिक पीरियड और डांस पीरियड और हॉर्स राइडिंग और प्लेइंग और स्विमिंग और वट एवर इट इज, राइट. तो अब आपको बुक्स, टेक्स्ट बुक सिर्फ 2 की लेके जानी है, मैथ एंड इंग्लिश. वेट कम हो गया, बैग का वेट कम हो गया, है ना. भाई नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा थी, वेट ज्यादा था बैग का, नंबर ऑफ बुक्स कम हुई तो बैग का वेट भी कम हो गया. मतलब ज्यादा था बैग का, बुक्स ज्यादा थी तो वेट क्या था? ज्यादा. बुक्स अगर कम हुई तो वेट भी क्या हो गया? कम. डायरेक्टली वेरिएट कर गए, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया. आई बात समझ में? कॉपी करो एक बार इसको चलो, क्योंकि ये थोड़ा सा अपने को समझना जरूरी है.
ठीक है. सो अब इसका एक लॉजिक समझाती हूँ मैं चिल्ड्रन. देखो इस तरह से मान लो मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. आई होप इट इज विजिबल. ओके सो दिस इज लाइक दिस वन टू ठीक है. ये मैंने एक टेबल बनाई है, अंडरस्टैंड. अब x का जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5, ठीक. और y का वैल्यू है 2 4 6 8 10. मतलब जब x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 2, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 4, x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 6 4 8 5 एंड 10, ठीक. अब इसके अंदर x अपॉन y, x अपॉन y मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है. x अपॉन y मैंने किया, उसका वैल्यू आया 1/2, राइट. फर्स्ट कॉलम में आया 1/2. नेक्स्ट सेकेंड किया मैंने 2/4, उसका वैल्यू आया 1/2. नेक्स्ट किया मैंने 3/6, उसका वैल्यू आया मेरे पास 1/2. 4/8, उसका भी वैल्यू आया 1/2. नेक्स्ट किया मैंने 5/10, उसका भी वैल्यू आया मेरे पास 1/2, ठीक. तो मैं पूरी टेबल के अंदर जब x अपॉन वाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, वैल्यू क्या मिल रही है x अपॉन वाई की. चिल्ड्रन वैल्यू क्या मिल रही है, कॉन्स्टेंट मिल रही है 1/2, कॉन्स्टेंट मिल रही है ना. x और y की वैल्यू चेंज हो रही है हर बार x और y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन मुझे उसको उसका रेशियो निकालने पर, उसे डिवाइड करने पर मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है 1/2 1/2 1/2 1/2. तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि x अपॉन y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट वैल्यू. अगर मैं डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रही हूँ, तो क्या मैं जनरलाइज्ड ऐसा बोल सकती हूँ कि x अपॉन y इक्वल्स टू k एक कांस्टेंट आना चाहिए. अगर डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब एक क्वांटिटी, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उस पर डिपेंडेंट दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है उस पर डिपेंडेंट दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है ना, ये डायरेक्ट वेरिएशन है. तो जब डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है तब अगर मैं एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, के कांस्टेंट मिलना चाहिए, ठीक है. ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हुआ, इसको एक बारी नोट कर लो क्योंकि आगे क्वेश्चन करने में हमको हेल्प करेगा. ठीक है, आया समझ. अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं. नेक्स्ट इज इनवर्स वेरिएशन. अब इनवर्स वेरिएशन का क्या मतलब हुआ, चलो एक क्वांटिटी बढ़ रही उस पर डिपेंडेंट दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है उस पर डिपेंडेंट दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है. टू क्वांटिटीज आर सेट टू वेरी इनवर्सली इफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द डिक्रीज. मतलब इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुआ दूसरी क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो दूसरी क्या हुई, इंक्रीज हो गई. समझ में आ रहा है, एरो अपवर्ड्स, दूसरी क्वांटिटी डाउनवर्ड्स. कैसे मैं समझाती हूँ, एक बार इसको नोट करो फिर मैं समझाती हूँ. जैसे
जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन. जैसे देखो अगर मैं बोलती हूँ एक हमें बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, एक बिल्डिंग मुझे बनानी है. अब इस बिल्डिंग को बनाने में, इस बिल्डिंग को बनाने में चिल्ड्रन मुझे 10 जनों की ज़रूरत है, ठीक है. 10 जने 10 men अगर इसको 12 days में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, 10 men 10 लोग मुझे चाहिए, 10 worker मैंने लिए, वो इस बिल्डिंग को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं चिल्ड्रन, 12 days में, 12 days में कंप्लीट कर रहे हैं. लेकिन मुझे तो ये 5 days में ही कंप्लीट करनी है, मुझे जल्दी है इस बिल्डिंग को बनवाने की, मुझे 5 days में ही कंप्लीट करना है. भाई 10 लोग मैंने लिए एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिन में काम, 12 दिन में वो बिल्डिंग बना के दे देंगे, पर मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी शिफ्ट करना है, मुझे जल्दी काम है उस बिल्डिंग का, मुझे ऑफिस स्टार्ट करना है, कुछ भी. तो इसका मतलब मुझे वो बिल्डिंग जल्दी चाहिए, मुझे तो 5 days के अंदर ही चाहिए कि भाई ये काम कर दे. अब 10 लोग तो 12 दिन ले रहे हैं, इसका मतलब मुझे क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, मैन पावर इंक्रीज करना पड़ेगा. मतलब मैं क्या करूँगी, मान लो 15-20 जने या कितने भी जने मैंने ले लिए, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैं क्या करूँगी, आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ मेन. तो इसका ये मतलब हुआ मोर मेन लेस टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क, आई बात समझ में, ज्यादा मैन टाइम टेकन लेस, राइट, ज्यादा मैन टाइम टेकन लेस. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इफ स्पीड इज मोर राइट, तो टाइम टेकन क्या होगा, कम हो जाए. भाई डिस्टेंस सेम है, इतना ही डिस्टेंस फाइंड करना, इतना ही डिस्टेंस चलना है, है ना. एक में है स्पीड 5 meters per second या 5 kilometers per hour कर लो, चलो 5 kilometers per hour. एक कार की स्पीड है 5 kilometers per hour, एक कार की स्पीड, दोनों को सेम डिस्टेंस ही चलना है, मान लो 10 kilometers चलना है, इसको भी 10 kilometers चलना है, ठीक है. एक की है 5 kilometers per hour, एक की है 10 kilometers per hour, ये तेज चलती है कार, ठीक है, दोनों कार में रेसिंग लग रही है, दोनों को 10-10 kilometers वो करना है, कवर करना है. ये ए स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और ये फिनिश लाइन है, ठीक है, ये फिनिश लाइन है. अब दोनों कार्स यहाँ से स्टार्ट कर रही है, इस कार की स्पीड है 5 kilometers per hour, इस कार की स्पीड है 10 kilometers per hour, टाइम में वेरिएशन आएगा, ये कम टाइम में कवर, ये ज़्यादा टाइम में कवर करेगी, ये कम टाइम में कवर करेगी, इसकी स्पीड ज्यादा, टाइम टेकन कम. इसकी चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, इसकी क्या है, इस कार की, लेट से कार ए एंड कार बी, कार बी की स्पीड ज्यादा तो टाइम टेकन कम, जल्दी पहुंच जाएगी. भाई 10 kilometers per hour की स्पीड से चल रही है, 10 kilometers तो 1 घंटे में कर देगी, ये कितने में करेगी, 2 घंटे में, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम ले रही है. तो स्पीड कम, टाइम टेकन ज्यादा, कवर करने में टाइम ज्यादा लगा. सो स्पीड इज मोर, टाइम टेकन लेस राइट. एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन, मोर व्हीकल्स ऑन रोड less space to walk, रोड है मेरी इतनी, सब में कार भरी हुई है, चलने की जगह कम है, less space to walk, right? तो these are few examples children, less time, अगर time कम है, less time,
लेस टाइम टेकन. अच्छा मोर मैन, ये वाला तो अपन ने ले ही लिया, ठीक है. तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स सर जहाँ पे इन्वर्सली प्रपोर्शनल है. समझ रहे हो कि अगर मोर मैन है टाइम टेकन लेस, अगर कम है लेस मैन है टाइम टेकन मोर, इन्वर्सली प्रपोर्शनल हो गया, मतलब इन्वर्स वेरिएशन हो गया. स्पीड इज मोर टाइम टेकन लेस, स्पीड लेस है तो टाइम टेकन मोर हो गया, फिर इन्वर्सली इन्वर्स वेरिएशन है. मोर व्हीकल्स ऑन रोड, स्पेस इज लेस. हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. प्लीज इसको भी कॉपी करो अपने वर्ड्स में, प्रॉपरली कॉपी कर लेना इसको. अब इसका लॉजिक समझना चिल्ड्रन, इसको अपन कैसे लिखेंगे देखो. इनवर्सली प्रपोर्शनल है, इनवर्स वेरिएशन है. इसका ये मतलब हुआ कि x इज इक्वल्स टू k अपॉन, या x इज इक्वल्स टू k अपॉन y, ऐसे समझ लो. k कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट, ठीक है. k जो है वो कांस्टेंट कोई भी वैल्यू आपकी आ रही है. जैसे जैसे x वैरी होगा y वैरी होगा, है ना. तो अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ चिल्ड्रन, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x into y is equals to k. ये मेरा inverse variation find करने का formula होगा, है ना. ये मेरा inverse variation find करने का formula होगा कि अगर x और y inverse हैं तो मैं क्या करूँगी, उन दोनों को multiply कर दूँगी. और अगर मेरे x और y direct variate कर रहे हैं, direct variation है अगर उसके अंदर, तो मैं क्या करूँगी, उनको divide कर दूँगी. क्लियर, कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन. अब देखो अपन इसके अंदर एक डायरेक्ट मेथड पढ़ लेते हैं, है ना. डायरेक्ट मेथड अपन पढ़ लेते हैं इसमें, डायरेक्टली जो अपने को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, है ना. डायरेक्ट जो अपने को अप्लाई करना होगा, अगर डायरेक्ट वेरिएशन है, अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो बता रही हूँ मैं, है ना. क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने वो बता रही हूँ मैं. डायरेक्ट वेरिएशन है तो देखो क्वांटिटी वन दिखेगा ही नहीं है, तो विजिबल ब्लैक से कर देते हैं. क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, ठीक है. क्वेश्चंस करेंगे से आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, बट समझना. देखो क्वांटिटी वन मान लो ए है, ठीक है. उस पर क्वांटिटी टू हुई बी. मान लो वो ऐसे बोल रहा है कि लेट अस से वील टेक ओके नंबर ऑफ द कॉस्ट ऑफ टू चॉकलेट्स इज रुपीज टेन, ठीक है. कॉस्ट ऑफ टू चॉकलेट्स इज रुपीज टेन. अब दो क्वांटिटीज हो गई चॉकलेट्स और कॉस्ट, दो यूनिट्स हो गई, दो चीजें हो गई चॉकलेट्स एंड कॉस्ट, है ना. अब सो नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड कॉस्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ टू चॉकलेट्स इज रुपीज टेन, तो वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ, वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ टेन चॉकलेट्स, ठीक है. ये मेरा लॉजिक हो गया. क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, ए बी सी डी, ठीक. उसमें मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी मैं उसके अंदर, राइट. जब डायरेक्ट वेरिएशन है चिल्ड्रन तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई.
तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, दिस विल बी ए इंटू डी इज इक्वल्स टू सी इंटू बी. ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई डायरेक्ट वेरिएशन की. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई डायरेक्ट वेरिएशन की. अब इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन, अगर इनवर्स वेरिएशन है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. इनवर्स वेरिएशन अगर है तो मैं किस तरह सॉल्व करूंगी, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू. फॉर एग्जांपल दिस इज गिवन टू मी कि 10 men can complete a piece of work or can dig a well or can make a building, construct a building in 10 days. ठीक है, 10 men can complete a piece of work in 10 days. How many days will 15 men require to complete the same work? Inversely proportional है, 15 men है, ज़्यादा men है, इसका मतलब time अब कम लगने वाला है. Time क्या कम लगने वाला है, कितने दिन के लिए. सो क्वांटिटी वन इज ए, तो मान लो 15 मैन है या 10 मैन है, उनको लग रहा है ए मैन है, उनको लग रहे हैं बी डेज, ए मैन है उनको लग रहे हैं बी डेज, तो सी मैन को कितने डेज लगेंगे या डी डेज में कितने मैन काम कंप्लीट कर पाएंगे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लॉजिक से अपने को चलना है चिल्ड्रन, कि किसमें डायरेक्ट वेरिएशन लगेगा, किसमें इनवर्स इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन लगेगा, है ना, ये अपने को लॉजिक से चलना है. तो मुझे पता लग गया कि इसके अंदर ऐसा सिस्टम है. अब यहाँ पे अपन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मतलब है तो वही प्रपोर्शन ही होगा, प्रपोर्शन ही, तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी इंटू डी. ये इसका लॉजिक है, लॉजिक मतलब लॉजिक तो मैंने बता दिया, पर इसके अंदर क्या हो रहा है, इस तरह से अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्ट के लिए, सॉरी हाँ डायरेक्ट के लिए और ये इनवर्स के लिए, है ना, ये अपन क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे. इनवर्स अगर डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है वील सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, और अगर इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, क्लियर है चिल्ड्रन, प्लीज कॉपी इट डाउन, इसको कॉपी कर लो. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ठीक है, तो मैंने यहाँ समझा ही दिया आपको, फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो व्हाट डज इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर. अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी है जो डायरेक्टली वैरी कर रही है, मतलब एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, ये मुझको फाइंड आउट करने का है बेटा. तो करो इस क्वेश्चन को करो और मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका. फर्स्ट वाले को देखते हैं अपन. व्हाट डज इट सेज, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स एंड देयर प्राइस वाई. सो इफ, जैसा कि अपन ने अभी देखा इसे, अगर टू पेंस के या टू पेंस ही ले लो, टू पेंस के अगर मुझे रुपीज 20 देने हैं, राइट, तो फोर पेंस के ऑब्वियसली द प्राइस वुड इंक्रीज. तो एक तो ये डायरेक्ट है, ठीक है, दिस इज वेरिंग डायरेक्टली. सो फर्स्ट वाला क्या है चिल्ड्रन,
डायरेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक, सेकंड वाले की बात करते हैं अपन. सेकंड वाला क्या बोल रहा है, वेट ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट. ठीक, तो अब कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर है अगर ₹50, राइट, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg क्या होगा, ₹100 इंक्रीज हो गया. इसका मतलब ये भी क्या है, डायरेक्ट है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट, सेकेंड वन इज ऑल्सो डायरेक्ट वेरिएशन, ये डायरेक्ट है, सेकेंड वाला भी डायरेक्ट है. थर्ड वाला देखते हैं अपन, लेट्स डू द थर्ड वन. थर्ड वाला क्वेश्चन करो, डिस्टेंस एक्स एंड टाइम वाई, स्पीड रिमेनिंग द सेम. डिस्टेंस एक्स एंड टाइम वाई, स्पीड रिमेनिंग द सेम. सो सी, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक, तो अब लेट अस से कि मैं एक केस ऐसा, अब देखो यहां पे क्या है, स्पीड रिमेन्स द सेम, स्पीड यहां पे सेम है. केस वन लेते हैं, केस वन मैंने लिया, मान लो डिस्टेंस मेरा है 1600 मीटर्स अपॉन स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा चलन, 400 सेकेंड्स, राइट. ये मेरा केस वन हुआ. अब सेकेंड केस देखते हैं, केस टू. अब डिस्टेंस मेरा है, डिस्टेंस मान लो मेरा है, डिस्टेंस इज डिफरेंट नो, 800 मीटर्स, स्पीड इज सेम, स्पीड रिमेनिंग द सेम, तो ये मेरा 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो 200 सेकेंड्स, राइट. ये हो गया 200 सेकेंड्स. तो अब इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस माई टाइम ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना. डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता जाएगा तो टाइम भी बढ़ता ही जाएगा ना. मान लो 2 किलोमीटर आप जा रहे हो 1 आवर में, तो 4 किलोमीटर कितने में जाओगे, 4 आवर्स में, राइट. मतलब 2 आवर्स में अगर जा रहे हो तो 4 आवर्स में जाओगे, राइट, जस्ट डबल हो जाएगा. मतलब पॉइंट ये है कि इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस टाइम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, है ना. इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस देन टाइम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. क्लियर है चिल्ड्रन, समझ गए क्या बताया मैंने, कि मान लो अगर आपको 1 किलोमीटर चलना है, 1 किलोमीटर अगर ट्रैवल करना है वो आप कर रहे हो 2 आवर्स में, और आपको 2 किलोमीटर चलना है तो वो आप कर रहे हो 4 आवर्स में. टाइम बढ़ गया भाई, डिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ गया, गिवन द फैक्ट दैट द स्पीड इज सेम, सेम स्पीड से चल रहे हो आप. दिख रहा है यहाँ पे, मैंने प्रूव करके बता दिया भाई, 16 मीटर्स है 400 सेकेंड्स लगेंगे, 800 मीटर्स है 200 सेकेंड्स लगेंगे. क्लियर. सो अगेन दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट. थर्ड वाला भी क्या है चिल्ड्रन, डायरेक्ट है. थर्ड इज ऑल्सो डायरेक्ट, डायरेक्टली वेरिएटिंग. नेक्स्ट इज वेजेस एंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क. वेरी इजी, बहुत ही इजी है. तो फोर्थ, वेजेस एंड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्किंग. अगर नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा हैं चिल्ड्रन, अगर 1 आवर या 2 आवर्स के लिए
टू आवर्स के लिए अगर कोई वर्कर ले रहा है ₹500, टू आवर्स के लिए अगर कोई वर्कर ले रहा है ₹500, तो 4 आवर्स के लिए वो कितना लेगा? 4 आवर्स के लिए वो ₹1000 लेगा, राइट? इसका मतलब आवर्स, वेजेस मीन्स पैसे, राइट? तो आवर्स अगर बढ़े तो वेजेस भी क्या होगी? बढ़ जाएगी. या अगर मैं ऐसे बोलूं कि वेजेस, वेजेस क्या है 500 आवर्स के लिए, या मैं ये कहूं कि 1000 रुपीज आपको मिलेंगे 4 आवर्स के लिए, तो 500 रुपीज आपको मिलेंगे 2 आवर्स के लिए. कम हो गए. अगर आवर्स कम हो रहे हैं तो वेजेस भी कम हो रहे हैं, आवर्स अगर बढ़ रहे हैं तो वेजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं. मतलब ये भी क्या है? डायरेक्टली डायरेक्ट वेरिएशन है इसमें भी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. चिल्ड्रन, मैं क्यों इतना मेहनत करके इसको समझा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, समझ रहे हो? मैं इसलिए हर चीज़ को इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जाम्पल, मतलब इसको प्रूव कर. जस्ट अ सेकेंड, वायर फंस गया. सो इसलिए मैं एग्जाम्पल लेकर के इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ चिल्ड्रन, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है स्टार्टिंग में समझना, बट एक बार ही यहाँ से बेसिक क्लियर हो जाएगा ना चिल्ड्रन, तो आसान हो जाएगा, फिर आगे क्वेश्चंस करने आसान हो जाएंगे, है ना? इसलिए थोड़ा अपन स्पीड स्लो रख के और इसको समझ रहे हैं, है ना? बिल्ड कर रहे हैं इसको. स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम का डिस्टेंस कवर्ड रिमेनिंग द सेम. अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेम है. सो हियर चिल्ड्रन, डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस कवर्ड रिमेनिंग द सेम. तो इसका भी अपन एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं. फिफ्थ का डिस्टेंस कवर्ड रिमेनिंग द सेम. तो अगर मैं ऐसा करूं, टाइम विल बी इक्वल टू, अगर मैं फर्स्ट केस लूं, फर्स्ट केस लेट्स से डिस्टेंस है मेरा 800 मीटर्स और स्पीड है मेरी फॉर एग्जांपल, स्पीड है मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो मुझे टाइम कितना लगेगा? टाइम वुड बी 80 सेकेंड्स, ठीक है? वही अगर मेरा डिस्टेंस सेम है, दिस इज माय सेकेंड केस, सेकेंड केस, ये मेरा फर्स्ट केस था, ये मेरा सेकेंड केस है, इसमें टाइम कितना लगेगा चिल्ड्रन? मान लो डिस्टेंस सेम है 800 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड. अब क्या हुआ? स्पीड क्या हो गई? कम हो गई. तो ये कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड्स. तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मेरा स्पीड ज़्यादा है, टाइम टेकन कम है. अगर स्पीड मेरा कम है, टाइम टेकन क्या है? ज़्यादा है. अब दिस इज इनवर्स, दिस इज इनवर्स चिल्ड्रन. ये क्या है? ये वाला केस जो है, दिस इज इनवर्स, दिस इज वॉट इनवर्स, या इनवर्स वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. आया समझ में? स्पीड एक्स एंड टाइम वाई. कर लो, कॉपी कर लो. नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ जाएंगे अगर प्राइस बढ़ेगा तो, वेट ऑफ आर्टिकल्स बढ़ जाएंगे अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो, डिस्टेंस एक्स एंड टाइम वाई, स्पीड रिमेनिंग द सेम. स्पीड अगर सेम है, डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा. नंबर ऑफ आवर्स और वेजेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड स्पीड एंड टाइम. डिस्टेंस अगर सेम है तो ये क्या होंगे? इनवर्स हो जाएंगे. क्लियर चिल्ड्रन? सो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ठीक?
प्लीज प्रैक्टिस दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कोशिश करना करने की. नहीं होते हैं तो फिर मैं तो करवाऊंगी ही सही. टाइम एंड वर्क करेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली. जस्ट अ सेकेंड. सो चिल्ड्रन, दिस इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. एंड थोड़ा सा कोशिश करना चिल्ड्रन, एक्सरसाइज वन में कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करना. ऑल्दो अभी हमने इतना सिग्निफिकेंटली नहीं पढ़ा, अभी सिर्फ बेस क्रिएट किया है, बट लाइक आई वुड रियली लाइक इट अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो तो थोड़ा कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा, है ना. ठीक है, बाय बाय.